स्कूल जिदे विच जाके कुछ सवाल खड़े किए ने। मेरा यह मानना है कि मैनू नहीं पता यह लखा सिधाणा किहड़ी एजेंसी वालों ऑपरेट किया जाता जां किहड़े संगठन का यह नुमाइंदा आ जिदे सिर दे उत्ते इह पंजाब दी धरती ते हिंदू सिखां नूं वंडण दी जिहड़ी कोशिश आ नाकाम कोशिश अपने वालों इह कर रहा है। दोस्तों मैं कुछ क जानकारियां देनियां चाहवांगे इस दे विच। इस शख्स ने उत्थे जाके दो तस्वीरां दे उत्ते बहुत लोगों का ध्यान केंद्रित किया। एक साढ़े सत्कारयोग बाली राम केशव हैडगवार साहब ने, दूसरे माधव सदाशिव राव गोलवलकर साहब। हैडगवार साहब की मैं आप जी नूं थोड़ी जानकारी दे दिया। हैडगवार साहब वो शख्सियत के मालिक ने जिन्हां ने हिंदुस्तान की वंड का सब तो वध विरोध किया। उस वंड दे विच सब तो वध नुकसान पंजाबियों का होया और उसका विरोध करने वाले सन हैडगवार साहब। और दूसरी गल जदों वंड हो गई, वंड तो बाद पाकिस्तान की धरती तो हिंदुआ और सिखा हिंदुस्तान की धरती के लियाने हैडगवार साहब ने अपनी बहुत वड्डी भूमिका निभाई और उतों स्कॉट करके हिंदू सिखा हिंदुस्तान की धरती से लिया। ये शख्सियत के मालिक ने जिन्हों के उत्ते अज एक गैंगस्टर उंगल चुक रहा। दूसरे गोलवलकर साहब की आप गल कर लें। गोलवलकर साहब उस शख्सियत के मालिक ने 1961 के पहला सेंसैक्स होया हिंदुस्तान का, जिस दे विच एक कॉलम से कि तुसी अपनी मातृ भाषा दसो भी किस मातृ भाषा नूं तुसी अपनी मातृ भाषा मानते हो। 1961 च सेंसैक्स होया और 1960 दे विच हिंदू समाज की एक बड़ी वड्डी एकत्रता जलंधर दे विच हुई, जिस दे विच मुख मेहमान के रूप दे विच गोलवलकर साहब मौजूद सन। और गोलवलकर साहब ने उस बड़े वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन कर रहे, इतिहास है, मैं कोई अपने दिलों नहीं गल्लां कर रहा। गोलवलकर साहब ने उस इकट्ठ नूं उत्थे संबोधन कर रहे गल की कि पंजाब दा हिंदू अपनी मातृ भाषा नूं पंजाबी लिखे। और अज यह गैंगस्टर पता नहीं किहड़ी एजेंसी के सिर ते चलण वाले लोग एजेंसियां दे बंदे जिहड़े ने अज उन्हां शख्सियतां दे उत्ते उंगलां चुक रहे ने। और दोस्तों ये विद्या भारती दे जिहड़े स्कूल ने सर्व हितकारी विद्या मंदिर, ये वो स्कूल है जिथे साडी पंजाबी नूं एक मुकाम ते लै के जाण वाला वर्ल्ड वाइड प्रसिद्धि पहचान दवाण वाला शख्स शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला इस ही स्कूल दे विचों पढ़ के अज वर्ल्ड दे विच पंजाबी दा नाम रोशन कर रहा है, ते जिहदे उत्ते अज एक गैंगस्टर उंगलां चुक रहा। ते ये मेरा ये मनना कि ये लोग हिंदू सिख एकता नूं तार तार करन वास्ते इहो जे हथकंडे अपना रहे ने। और मेरी सारे पंजाबियों नूं बेनती है इहो जे लोकां दीआं गुमराह कुल चानां दे विच आपां नहीं आउणा और इहनां नूं मूंह तोड़वां जवाब देना है। बस इहनां ही बेनतियां दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।